पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट, मामले को मान रही है झूठा। हमलावरों के हौसले बुलंद, घायल युवक कर रहा है जीवन मौत से संघर्ष, पुलिस पर लगे सवालिया निशान। आपको बता दें पूरा मामला मैनपुरी जनपद के एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम मधुपुरी का है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या ये हादसा आपके साथ जो घटा है, कैसे क्या हुआ? छोड़ने गए थे? हाँ, जोर तो बोलो। वापस आ रहा था, उसको छोड़ दे। हाँ, मैं अचानक रुका वहाँ लेटिंग करने के लिए रास्ते में। हाँ, एक पीछे से बाइक आई। हाँ, तो पैरों में सारा चला रहा था बाइक को, और शिवम बीच में बैठा था, उसी पीछे बैठा था बाइक को, शिवम ने उतर के गोली मारी। आपको गोली मार दी? अच्छा, घटना की ये घटना कै बजे की है और कौन सी तारीख की है? ये घटना लगभग 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच की है। कब की घटना है ये? परसों की है। अच्छा, मेरा चचेरा भाई है, उसके गोली मार दी है। क्या नाम था उनका? ये अंकुर परमार। किसने मारी है गोली? और इस गोली मारने हर्षित मिश्रा उर्फ शिवम मिश्रा, वैभव मिश्रा और सुशील मिश्रा, इन तीनों लोगों ने गोली मार दी हमारे भाई की। कहाँ से आ रहे थे आपके भाई? भाई हमारा जो चचेरा भाई था उसे छोड़ के आ रहे थे, वो दिल्ली जा रहा था। ये कल शाम को लगभग 6:30 बजे की है। अभी तक क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने एसओ साहब के पास गए थे तो उन्होंने कल कहा था कि FIR लिख लूँगा कि आप इलाज कराइए। आज FIR लिखाने गए तो उन्होंने मना कर दिया, तो बोले ये घटना झूठ बोल रही है। तो ऐसा वो एक ही बात के ब्राह्मण है, वो माननीय आबकारी मंत्री उन पे हाथ है। तो कौन से मंत्री है, कहाँ के मंत्री है? माननीय आबकारी मंत्री श्री राम नरेश अग्नोत्री जी। जी, तो उनका हाथ है उनके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा। उनके चाहते हैं क्या? ज्यादा बिल्कुल, बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं बिल्कुल। कल शाम को एक सूचना आई कि एक व्यक्ति को कंधे में गोली लगी हुई। इस सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंच गई थी, मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। उसमें SO एलाऊ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तथ्यों और जानकारी के हिसाब से जो भी कानूनी रूप से सही होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तहरीर मिलेगी तो उसके आधार पर जाँच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ बताना उचित होगा कि जो आरोपी जिन पे आरोप लगा रहे हैं और जो पीड़ित है, इनके बीच में पहले से भी एक मुकदमा 2 वर्ष पूर्व से चल रहा है।